नेक्स्ट टॉपिक है, हम डेली नए नए टॉपिक आपके लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी सीरीज में जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस +2 BSc जो बच्चे हैं ये पढ़ते हैं। देखो हम हर एक चीज पढ़ते हैं भाई, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कराना सुनना, इंटीग्रेशन, सब कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशिएशन कराना, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। आज हम आपको सिखाएंगे कि क्यों करते हैं भाई। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट है, तो सबसे पहली बात आती है कैलकुलस होता क्या, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से है सब कुछ। कैलकुलस क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। इसको समझिए सिर्फ, यानी कि कैलकुलस मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम चेंज के बारे में यानी बदलाव के बारे में बात करते हैं। चेंज या बदलाव के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम अपने सराउंडिंग की बात करते हैं, आसपास का। जब हम अपना कोई भी चीज देखते हैं तो हर चीज में बदलाव देखते हैं, हर चीज बदलती रहती है, कोई भी चीज वैसी नहीं रहती है, ठीक है, कोई भी चीज नहीं रहती। अब महाभारत का एग्जाम्पल ले लीजिए। महाभारत में अपने एक चीज पढ़ी होगी, जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को क्या कहा था कि भाई आत्मा अमर है, वो क्या करती है, अपना जो शरीर है वो बदलती रहती है, बदलती रहती है। अब आप चलिए, पुरानी बात हो गई, आप माने ना माने अलग बात है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल लूं तो आप देखोगे कि आपके हर एक पास में जो हर चीज है वो हमेशा बदलती रहती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ चेंज के कुछ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसमें ग्रोथ होती है। बच्चा भाई सीधा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, ऐसे ग्रोथ होती है उसमें। बेबीज ग्रोथ जो होती है उसका क्या भाई, चेंज होती रहती है ना, ये भी बदलाव होता रहता है इसमें भी, ठीक है। अब मैं आपको कहूंगा, आपने कोई प्लांट लगाया, मान लीजिए पौधा लगाया आपने, तो उसमें भी क्या होगा, बदलाव होगा। आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है, बैंक बैलेंस है, बदलाव होता रहता है, नहीं मतलब भाई किसी ने मान लीजिए बैंक में पैसे जमा करवाए, छो या तो वो घटेंगे या वो बढ़ेंगे, दो ही चीज होंगी, ठीक है। ये तो है नहीं भाई, 5 साल उतने रहेंगे, आपने रख ली मतलब रखने थे 5 साल रख के रखे, 5 के 5 साल उतने रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होगा, बदलाव होगा। अब आगे अगर हम कहें कि भाई मैं आपको कहूँ कि आप 2 घंटे यहाँ पे बैठ जाइए, अब 2 घंटे बैठ जाएंगे आराम से, 3 बैठ जाएंगे, पूरा दिन बैठ जाएंगे, 2 दिन बैठ जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आप क्या करेंगे, पोजिशन चेंज कर देंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, योर पोजिशन, ठीक है ना। अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो आपकी पोजिशन जो है वो हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 5 मिनट यहाँ बैठ जाओ, क्या करेंगे, 5 मिनट यहाँ बैठ के फिर 10-5 मिनट बाद वहां बैठ जाएंगे, फिर कहीं और बैठ जाएंगे, ऐसे आप पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, क्या हो गया, इसमें भी चेंज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, अच्छा आज के टाइम में जबरदस्त एग्जाम्पल चल रहा है, योर फेसबुक फ्रेंड, ठीक है, फेसबुक फ्रेंड। अब इसके बारे में भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, खुद बता सकते हो कि ये मतलब चेंज होगा नहीं होगा। भाई आप खोल के देखेंगे, 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, आपने एक्सेप्ट कर ली। अगले दिन आपको आपके किसी से नहीं बनी, आपने क्या कर दिया, उसको डिलीट, ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, घट गया, चेंज हुआ, ठीक है। मैं अगर कहूँ योर फोन डाटा, आपके जो फोन का डाटा है वो, फोन का डाटा, देखिए भाई ये करंट एग्जांपल है, सारे सारे करंट मतलब फोन का डाटा है भाई, फोन है, फोन हम नया लेते हैं, उसके बाद हम कुछ ना कुछ इंस्टॉल करते रहते हैं, या कोई मैसेज आता है वो, या कुछ भी आते हैं, चीजें आती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको स्टोर होते जाते हैं हमारे फोन में। तो ऐसे ही हर एक चीज में क्या होती जाती है, चेंज होता जाता है, मतलब इसमें देखिए मेमोरी, हमारी जो डेटा है वो आता जाता है भाई, फोन से जो फोन का डेटा है वो आता जाएगा, उसमें ऐड होता जाएगा सब कुछ, ठीक है। बाद में डिलीट करेंगे तो कम हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, चेंज, मतलब क्या हुआ, उसमें चेंज हुआ भाई, घटा घटा चेंज हो रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, चेंज के बारे में बात करते हैं, यानी कि बदलाव के बारे में बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
विच डील्स विद द चेंज, जो किस में डील करती है, चेंज में डील करती है, यानी कि चेंज के बारे में हमें बताती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। अब कैलकुलस के दो जो हार्ट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, हार्ट ऑफ कैलकुलस, दो होते हैं, एक होता है डेरिवेटिव और एक होता है इंटीग्रल। ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रल, अब आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, चीज दो होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस एंड डेरिवेटिव इज द रिजल्ट आउटपुट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब उस प्रोसेस के बाद भी जो चीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे कि डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, समथिंग वो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं डिटेल में, हम सब कुछ आता है हमारे पास, लेकिन हम क्या बता रहे हैं क्यों करते हैं। ठीक है, आपने क्या कहा, चेंज होते हैं, चेंज दो टाइप के होते हैं भाई, चेंज की देखो डेरिवेटिव इंटीग्रल की हमारे इसके क्या हो गए, हार्ट हो गए भाई, चेंज उसने कहा जब कोई चीज चेंज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है भाई, जैसे हमने क्या कहा डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, देखो या तो चीज क्या होगी, चेंज होती रहेगी भाई, चीज क्या है, चेंज होती रहेगी। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और ये है हमारे पास इंटीग्रल, इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में ये बताएंगे आप। देखिए एक चीज आती है हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव में हम क्या लिखते हैं, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, मतलब डेरिवेटिव में क्या पढ़ते हैं हम, कितनी फास्ट से कोई चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब कितनी फास्ट कोई चीज क्या हो रही है, बदल रही है। जबकि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, मतलब इसमें तो कितनी फास्ट कोई चीज बदल रही है और इसमें कितनी फास्ट कोई चीज, मतलब कितने कोई चीज इकट्ठा हो रही है, इसमें इकट्ठा हो रही है, इसमें बदल रही है। दो चीज थी अलग अलग, डेरिवेटिव में तो ये हम देख पढ़ते हैं कि कितनी फास्ट कोई चीज बदल रही है और इसमें कोई चीज कितना इकट्ठा हो रही है, मतलब उसको किसमें पढ़ते हैं, हम इंटीग्रल के अंदर पढ़ते हैं। ये दो पार्ट है इसकी, जो देखो सबसे पहले जो डिस्कवरी जो हुई थी, मतलब मैथमेटिशियन जो खोज की थी वो किसके थी, इसकी थी अराउंड 250 BC के समथिंग इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसकी इंटीग्रल की। और जबकि 1600 अराउंड इसके ईयर के आसपास किसकी खोज हुई थी हमारे पास, डेरिवेटिव की। अब देखिए दोनों के बीच में 1800 साल का गैप हो गया, 1800 ईयर्स दोनों के बीच में कितने साल का गैप हो गया, 1800 साल, क्योंकि ये देखो 250 BC बिफोर क्रिस्ट है ये, और जबकि ये 1600 ईयर समथिंग इसके आसपास है इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो 1800 साल का क्या हो गया, दोनों के बीच में गैप हो गया। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी जो जब इंग्लैंड और जर्मनी में हुई है, इंग्लैंड ठीक है एंड जर्मनी, और जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो ग्रीस में हुई थी। ठीक है, इसकी किस में हुई थी, ग्रीस में। अब देखिए आप एक विचित्र चीज बताते हैं, इन दोनों के बीच में 1800 साल का गैप हो गया। ठीक है, फिर एक नई चीज हैपन हुई, हमें ये पता लगा 1800 साल के बाद ये दोनों भाई भाई हैं, इनका क्या हो गया, ब्लड रिलेशन निकाल, कैसे भाई इन दोनों का क्या निकल गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मतलब ये दोनों भाई भाई हो गए, एक जोड़ता है एक बदलता है, दोनों भाई भाई के। और इन्होंने दोनों ने क्या किया, फिजिक्स और मैथ को नई डायरेक्शन दी। ठीक है, इन दोनों ने क्या कर दिया, फिजिक्स और जो मैथ्स है हमारा उसको एक नई डायरेक्शन दी है। तो इसके बारे में ये बेसिक थे हमारे पास, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और बाकी अगली जो वीडियो है वो हम जल्दी जारी